ऑलरेडी मिथिक फौज का जो आउटफिट था कंफर्म आउटफिट वो देख चुके थे और मैं बताया था जैसे ही हम लोग को वेपन स्किन के बारे में पता चल जाए कंफर्म तो एक और मैं वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली हम लोग का 3.4 अपडेट का आउटफिट प्लस हम लोग का जो वेपन स्किन है कंफर्म लिक्स आ चुका है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ वाओ के अंदर एक न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला वो भी मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है और अपडेट भी आने वाला है। तो न्यू इवेंट न्यू कंटेंट आपको देखने को मिलेगा ये चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिथिक फौज का बात कर लेते, तो ये जो आउटफिट है ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका था, यही सबसे बेस्ट आउटफिट है इस मिथिक फौज का। और इधर आप देख पा रहे हो इसका एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल इमोट है, उसके साथ साथ इसका हेड गियर आपको दिखाई दे रहा और मास्क आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला आउटफिट आपको मिथिक फौज के अंदर देखने को मिलेगा। सेकेंड आउटफिट आप देख पा रहे हो अंडर वेट सेट, वो आपको देखने को मिल जा रहा। थर्ड जो आउटफिट देख पा रहे हो प्रीमोडियल सेट एंड उसका आउटफिट आपको देखने को मिल रहा था। ये तीन सेट तो ऑलरेडी दिखा चुका था इसलिए फास्ट फोटो में दिखा दिया। उसके साथ से एक लेजेंडरी आउटफिट भी दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट प्रॉबली हम लोग का स्पिन में देखने को मिलेगा। स्पिन में भी कुछ आइटम आता है ना, तो ये स्पिन में आप देख पर ब्लड रेन सेट आपको दिखाई दे रहा और उसके साथ साथ ये जो हेलमेट है ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा सेट है ये भी, बट लेजेंडरी कैटेगरी का। या ये जो हेलमेट है ये भी ओजी हेलमेट है मिथिक कैटेगरी, ठीक है। उसके साथ से ये बैकपैक भी आपको देखने को मिल जाएगा वो स्पिन के अंदर मिथिक फौज के अंदर जो आने वाला है। तो ये परमानेंट मिल सकता है, टाइम लिमिटेड भी आपको मिल सकता है, आप सबको पता ही है। और उसके साथ साथ डीपी का स्किन आपको दिखाई देगा, तो वो आप देख पर आपके स्क्रीन में ब्लड बाइट डीपी 28 जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ वेपन्स में आपको प्रेडिक्ट करके बताया, तो उसमें से एक प्रेडिक्शन हम लोग कंप्लीटली सही निकला। बट उसके साथ साथ वीएसएस का भी आपको सबसे पहले स्किन देखने को मिल रहा है। ये वीएसएस का जो स्किन आप देख पा रहे हो इसका नाम है प्रो वीएसएस। इसका बेसिक फॉर्म देख लो, इसका फाइनल फॉर्म देख लो, काफी ठीक ठाक सा है। मुझे नहीं पता कितना लोग वीएसएस खरीदेंगे, बट कलेक्शन किसी को पूरा करना होगा तो ये इस पे ऊपर जा सकते हैं। इसका किल फीड भी डिसेंट सा है तो वो आप देख पा रहे हो। बट सेकेंड जो वेपन है वो आपको काफी अच्छा लगने वाला है, वो आप देख पा वेक्टर का स्किन आपको दिखाई दे रहा है, मिड नाइट रोज वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। लेवल 1 का लुक भी काफी अच्छा है, उसके साथ साथ मैक्स लेवल भी आपको देखने को मिल जा रहा है। ये कैसा लगा कमेंट करना। ब्रॉडकास्ट मैसेज भी आपको काफी प्यारा लगने वाला, जी हाँ एपिक कैटेगरी के हिसाब से ये काफी अच्छा लग रहा है। सेकंड अपग्रेडेबल वेपन जो कि आपको मिथिक फौज के अंदर देखने को मिलेगा नेक्स्ट अपडेट में। और तीसरा जो वेपन है वो तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि ये आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। इसका नाम है पंपकिन कोरल रोजा, कंप्लीटली हेलोइन थीम का ये स्किन है तो ये आना फिक्स था, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्म भी अच्छा है और इसका मैक्स फॉर्म भी अच्छा है और सबसे अच्छा किल फीड इसी का ही है। तो डेफिनेटली ग्रोजा अगर आपको चाहिए अच्छा वाला तो 5 बोल सकते हो मेडल में आपको मिलने वाला। कितना लकी है भाई पबजी यूजर, यही ग्रोजा अगर मैं बीजेमा के अंदर खोजना जाऊंगा तो पक्का क्रेट वेट में आएगा। जितने यूसी लगेगा वो भी कन्फर्म नहीं रहा कि मिलेगा कि, बट वही जगह केवल बोल सकते हो 5 एमलेम देख के गारंटी में ये ग्रोजा मिलना एक बहुत लकी वाला चीज़ है। और ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ चीज़ें था जो कि आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा मिथिक फौज के अंदर। कुछ आपको रिडीम में देखने को मिलेगा, कुछ स्पिन में देखने को मिलेगा टाइम लिमिटेड। कौन सा सबसे अच्छा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं वाओ मोड के बारे में। तो गाइस आपको पता है वाओ मोड काफ़ी बड़ा एक बोल सकते मोड हो चुका, जब से कैजुअल सीजन आने वाला, ऑलरेडी मैं कैजुअल सीजन का वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि वाओ मोड का जो इंपॉर्टेंस है ना और भी बढ़ने वाला, ठीक है। तो उसी के साथ साथ वाओ मोड के अंदर जो न्यू सीजन ऐड होने वाला उसका नाम होने वाला वंडर सीजन। तो अभी फिलहाल के सीजन 1 स्टार्ट होने वाला है, इसका डेट कुछ ही दिन में हम लोग को पता चल जाएगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका एक न्यू सेक्शन खुल जाएगा। चलो इसको हम लोग क्लिक करते और उसके बाद आप देख पा इसमें हम लोग को देखने को मेरा कुछ चीज़ है। सबसे पहले आप देख पा डेट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका डेट भी 2 महीने का होने वाला है। 14th सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये इवेंट चलने वाला है, जिसमें आप देख पर इसमें सिंपली कुछ मिशन कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। विन इन एनी वाओ सीजन क्रिएशन 1 टाइम, तो जैसे आप कोई भी क्रिएशन में जीत जाते हो, वाओ मोड का कोई भी मैप में जीत जाते हो, तो आपका पहला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड मिशन और भी ईजी है, एक मैच आपको खेलना है वाओ सीजन क्रिएशन में, ऑटोमेटिकली आपका सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपको काफ़ी सारा मिशन मिलेगा डेली बेसिस में और उसको कंप्लीट कर करके आपको रैंक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैजुअल रैंकिंग भी इसमें कनेक्टेड है तो दोनों एक साथ बढ़ने वाला, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग इसका रिवॉर्ड देख लेते हैं। तो इसका भी कुछ पॉइंटिंग सिस्टम होने वाला है, तो ग्रे एक्सप्लोरर में रहोगे तो आपको मिलने वाला बीपी कॉइन 200 कॉइन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप देख पा रहे एमरल्ड एक्सप्लोरर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 50 एजी करेंसी मिलने वाला। तो एक और जगह जहां से आपको एजी करेंसी मिलने वाला, इसके लिए आपको 400 पॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद एज्योर एक्सप्लोरर आप देख पा रहे हो, इसमें आपको एक कैप मिलने वाला। इसमें बेसिक रिवॉर्ड इसलिए है क्योंकि वाओ मोड में आपको ज्यादा हार्ड मिशन नहीं मिलेगा,
जस्ट एक मैच जीतना है और नॉर्मल मैचेस कंप्लीट करना, 15 मिनट 20 मिनट खेलने का बोलेगा, ये सब इजी मिशन है। इसलिए मिशन का जो रिवॉर्ड है वो भी बेसिक सा ही आपको दिखाई दे रहा है। एज्योर एक्सप्लोरर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप देख पा रहे हो वॉयलेट एक्सप्लोरर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक अवतार मिलने वाला S1 का, जो कि आप देख पा रहे न्यू लुक के साथ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्रिम्सन एक्सप्लोरर आपको देखने को मिल जाएगा, एक काइंड ऑफ एस बोल सकते हो। ये आउटफिट पुराना है बट इस तरह की चीज़ें आपको हर एक सीजन देखने को मिलेगा। अच्छा बात है, जो वाओ मोड खेलता है ना उनके लिए भी काफ़ी अच्छा कर दिया है, गेम को भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और जाते जाते गोल्ड एक्सप्लोरर जो होने वाला आखिरी जो टीयर, उसमें आपको ये फ्रेम मिलने वाला, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे रिवॉर्ड काफ़ी बेसिक है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर वाओ मोड खेल तो पहले कुछ भी नहीं मिलता था, उसके जगह अभी ये मिल रहा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। उसके साथ साथ कैजुअल रैंकिंग भी अभी इसके अंदर आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे जब हम लोग का अपडेट आ जाएगा। फिलहाल इसमें डेली बेसिस मिशन आपको मिलेगा, उसको कलेक्ट करना होगा, मैचेस खेलना पड़ेगा, मतलब अभी वाओ मोड का और भी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो को लेकर इतना रखते हैं, होपफुली आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।